तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर मैं आपको सबसे पहले नोटेशन देने से पहले आपको स्क्रीन पर एक माउथ ऑर्गन का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, जो इससे पहले किसी भी वीडियो में मैंने नहीं दिया, ठीक है। वो स्ट्रक्चर बिगिनर्स के लिए भी होगा और एडवांस जो हमारे एक्सपर्ट हो चुके हैं अभी प्ले कर करके उनके भी लिए काम आएगा। तो वो स्ट्रक्चर आप स्क्रीनशॉट उसका निकाल लो। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, इसमें आपने देखा होगा कि दो डिवीजन है, एक फर्स्ट डिवीजन, एक मिडल है और एक अपर है। तो जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया था, लोअर ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव, अपर ऑक्टेव, ठीक है। तो ये तीनों ऑक्टेव आपके पास सामने हैं और इसमें मैंने पूरी बारीकी से सारे के सारे सुर आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। तो किस विंडो में कौन सा सुर है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। वैसे तो आपको पता है कि वो आपको मन से बजाना है, दिल से बजाना है, लेकिन फिर भी सपोर्ट के लिए मैंने आपको दिया है कि आपको कुछ मदद मिले कुछ हद तक, बाकी आपको मन से ही बजाना है। तो लोकेशन ढूंढने में आपको थोड़ी आसानी होगी कि एग्जैक्टली अगर हमको डॉट वाला प चाहिए जिसके नीचे डॉट है तो वो कहाँ है, अगर हमको ऊपर डॉट चाहिए, अगर रे के ऊपर डॉट है तो वो एग्जैक्टली कहाँ है, आपको लोकेशन जल्दी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से आपको गाना भी प्ले करते आसानी होगी। तो अभी हम देखते हैं गाने के नोटेशन के हिसाब से जो गाना है, मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद से करना है। तो बेसिक में बारिश के गाने में जो म्यूज़िक है स्टार्टिंग में, तो सा रे ग रे ग रे ग ग म ग रे सा नि सा नि ध, अगर आप एक बार ठीक से लर्न करना सीख जाए, मतलब रीडिंग करना, तो आपको बहुत आसानी होगी। रीडिंग करने में ही सबसे ज़्यादा जो होती है मुश्किल होती है, अगर रीड नहीं ठीक से किया तो प्ले भी ठीक से नहीं होगा। तो सा रे ग रे ग रे ग, सा रे ग रे ग रे ग ग म ग रे ग म ग रे, ठीक है। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आपने सारे गमा जो मैंने बेसिक सिखाया है, बर्थडे सॉन्ग सिखाया है, ट्विंकल ट्विंकल, वो सारा आप देख लो, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस हैं तो वो आपने एक बार देख लेना है। और अभी हम सीख रहे हैं बारिश, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा, एक बार रीड करना सीख लो, मैं आपको सिर्फ रीडिंग करना सिखाता हूँ, बाकी माउथ ऑर्गन आप खुद ही प्ले कर लेंगे। सा रे ग रे ग रे ग ग म ग रे सा नि सा नि ध, तो ये जो है सा नि सा नि ध, तो नी के नीचे डॉट है और ध के नीचे डॉट है, तो सा ठीक है। तो जो स्क्रीनशॉट आपने निकाला इससे पहले जो मैंने स्ट्रक्चर दिया उसमें विंडो नंबर भी दिया है और कहाँ प्ले करना है वो भी दिया है, ठीक है। ब्लो करना है कि सक करना है वो भी दिया है, बी का मतलब ब्लो होगा, एस का मतलब सक करना होगा, उस विंडो पे सक करना है, ब्लो करना, ठीक है। अब चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढू, तो उस लाइन को भी वैसे ही पढ़ना है। आप गाना पढ़ते में ऐसा पढ़ लेंगे, लेकिन नोटेशन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे क्लास में भी ऐसे पढ़ते हैं, अगर नोटेशन पढ़ना है तो वो ऐसे पढ़ेंगे प म ग रे रे ग प म ग रे रे म, ऐसे मुझे पता थे। अगर मैंने उनको क्वेश्चन किया बेटा नोटेशन क्या है, तो वो बोलेंगे सर नोटेशन है प म ग रे रे ग प म ग रे रे म, ये क्या बात हुई। नोटेशन के अंदर तो छुपा है पूरा गीत, नोटेशन ही तो उसका प्राण है, उसका सोल है। तो नोटेशन वैसे रीड करो जैसे गाना है, प म ग रे रे ग प म ग रे रे म, ठीक है। पहली बार ग है तो दूसरी बार म है तो थोड़ा ऊंचा है, देखो फिर से प म ग रे रे ग प म ग रे रे म, सेकंड लाइन ग ग ग रे रे ग रे सानी ग ग ग रे रे ग रे सानी, टू टाइम्स है ना, आँखों के दरमियाँ तू अब है इस तरह। अब थर्ड लाइन, खाबों को भी जगह ना मिले ग ग ग रे 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 ग रे सानी नी नी सा ग ग ग रे रे ग रे सानी नी नी सा। अब फोर्थ लाइन, सा सा रे ग नी सा 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 रे ग नी सा, वैसे ही माउथ ऑर्गन पे भी वैसे ही बजेगा।
तो सा सा रे ग सा सा रे ग नी सा सा रे ग नी सा। जैसे आप देखें, मैंने इसके पहले बताया था जैसे माउथ ऑर्गन बजाते हैं तो गला खराब कैसे होता है। अब मैंने थोड़ा सा आपको जस्ट प्ले करके दिखाया, तो मुझे बात करने में भी दिक्कत हो रही है, तो ये प्रॉब्लम होता है माउथ ऑर्गन के साथ, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं चीज़ों को, तो उतना तो थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है। तो माउथ ऑर्गन आपने बजाना है, लेकिन ज़्यादा नहीं बजाना है, कंटिन्यू नहीं बजाना है। 2-3 दिन में एक हद बार, 2-3 दिन में ऐसे, जैसे मैं बजाता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी बजा सकते। तो ये मतलब अगर हम इसकी खराबी के बारे में सोचे कि इससे क्या हार्म हो सकता है हमको, तो इतना सोचो कि चाय पीते हैं हम, उससे 100 गुना कम हार्म होगा। मतलब हारमोनियम से 100 गुना ज़्यादा हार्मफुल है चाय पीना, तो इतना सोच लो, मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन हमारी थी सा सा रे ग नी सा 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 रे ग नी सा नी नी सा रे नी सा रे नी सा रे नी सा। ये लाइन आपको थोड़ी हार्ड जाएगी। तो पढ़ने में ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, नी नी सा रे नी सा रे नी सा रे नी सा, इतनी बार वही वही कर रहे हैं हम। फिर ये मिलने की ख्वाहिश, तो सा सा रे ग नी सा सा रे ग नी सा नी नी सा रे नी सा रे नी सा प म घ। लास्ट लाइन में हो पूरी तुझे से मेरी ये कहानी प म घ, ठीक है। बस नी आपको पता है स्ट्रक्चर में देख लेना, नी के नीचे डॉट बहुत ज़्यादा चल रहा है गाने के अंदर, तो सा के पहले होता है वो। मतलब 10 नंबर की विंडो पे सा है हमारा, 9 और 10, तो 8 पे जाएगा, आपको सक करना होगा थोड़ा सा। इस तरह से अब फिर से म्यूजिक आएगा, ला 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 ला, ला। कभी तुझ में उतरूँ, ये लाइन सा सा रे सानी सा सा रे सानी ध प, देखो इस तरह से थोड़ा अटपटा सा है, सा सा रे सानी ध प सा रे सानी ध प। तो इसके साथ आपको बोलते आना चाहिए वैसे ही जैसे मैं गीत गा रहा हूँ नोटेशन के अंदर, सा सा रे, तभी माउथ ऑर्गन पे वैसे बजेगा, नहीं तो फिर एकदम गंदा बजेगा, कुछ के कुछ ही बजेगा वो। सा सा रे सा नी ध प सा रे सा नी ध प सा रे सा नी ध प, ठीक है। दो टाइम, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। कभी तुझ में उतरू तो सासों से गुजर, सा रे सा नी ध प सा रे सा नी ध प सा नी प ध सा नी प ध। अब नेक्स्ट है फिर से वही सेम, मैं हूँ बेठिकाना, सा सा रे सा नी ध प सा रे सा नी ध प सा नी प ध सा नी प ध, है तुझ में दे इजाजत ना कोई दरमिया, हम दोनों है यहाँ फिर क्यों है तू बता फासले। तो ये जो है फासले, इसमें थोड़ा सा थोड़ा मैंने चेंज किया है, ग ग ग रे 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 ग रे सानी, 3 टाइम्स प्ले करना है आपको, ग ग ग रे ग रे सानी ग ग रे 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 ग रे सानी ग ग ग रे ग रे सानी नी 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 सानी धनी ध नी 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 सानी धनी ध, सब डॉट डॉट, नी नी ध नी नी सा नी धनी ध। तो पूरा खींचना ही पड़ेगा, फासले रे रे सा नी 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 सा नी धनी ध नी नी सा नी धनी ध, तो नीचे पढ़ना है नी नी सा नी धनी ध। पता नहीं आप लास्ट लाइन तक पहुंच भी पाते हैं कि नहीं, ठीक है, लेकिन कर लेंगे आप। फिर ये मौसम की बारिश, ये कंटिन्यू चलेगा,
मौसम की बारिश से आपको फिर से कंटिन्यू करना है तो ये पानी की बूंदे से लेके मिलने की ख्वाहिश हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। फिर म्यूजिक ला 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 ला, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं। ये गाना अगर आप फ्लूट वीवर है तो फ्लूट वाले भी बंदे इसको बजा सकते हैं, फ्लूट पर सेम नोटेशन होगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैंने कहा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आपके सारे जो भी पसंदीदा गाने हैं, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में सिर्फ वही गाने लिखे जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, अच्छे से, मतलब बाकी लोगों के भी काम में है, फेमस लेकिन माउथ ऑर्गन के लिए अच्छे हो। फिर पुराने भी चलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड ईरा चलेगा, गोल्डन ईरा चलेगा, न्यू ईरा चलेगा, लेकिन अच्छे वाले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।